हमेशा की तरह दोपहर को सब्जी वाली दरवाजे पर आई और चिल्लाई, चाची आपको सब्जी लेनी है। माँ हमेशा की तरह अंदर से चिल्लाई, सब्जियों में क्या क्या है सब्जी वाली? ग्वार, पालक, भिंडी, आलू, टमाटर। दरवाजे पर आकर माँ ने सब्जी वाली के सिर पर भार देखा और पूछा, पालक कैसे दिया? सब्जी वाली, 10 रुपए की एक गड्ढी। माँ, 25 रुपए में चार दो। सब्जी वाली, चाची नहीं जमेगा। माँ, तो रहने दो। सब्जी वाली आगे बढ़ गई पर वापस आ गई। सब्जी वाली, 30 रुपए में चार दूंगी। माँ, नहीं, 25 रुपए में चार लूंगी। सब्जी वाली, चाची बिल्कुल नहीं जमेगा। और वो फिर चली गई। थोड़े आगे जाकर वापस फिर लौट आई। दरवाजे पर माँ अब भी खड़ी थी। पता था सब्जी वाली वापस अवश्य आएगी। माँ ने सब्जी की टोकरी उतरवाने में सहायता की। ध्यान से पालक की चार गट्ठियाँ पलट कर ली और 25 रुपए का भुगतान कर। जैसे ही सब्जी वाली ने सब्जी का भार उठाना शुरू किया कि उसे चक्कर आने लगा और माँ उत्सुकता से पूछी, क्या तुमने भोजन कर लिया? सब्जी वाली, नहीं चाची, सब्जियाँ बिक जाए तो किराना खरीदूंगी, फिर खाना बनाऊंगी, खाऊंगी। माँ, एक मिनट रुको बस यहाँ। और फिर माँ ने उसे एक थाली में रोटी, सब्जी, चटनी, चावल, दाल परोस दिया। सब्जी वाली के खाने के बाद पानी पिया और केला भी थमाया। सब्जी वाली धन्यवाद बोलकर चली गई। मुझसे नहीं रह गया। मैंने अपनी माँ से पूछा, आपने इतनी बेरहमी से कीमत कम करवाई, लेकिन फिर जितना तुमने बचाया उससे ज़्यादा का सब्जी वाली को खिलाया। माँ हंसी और उन्होंने जो कहा वो मेरे मस्तिष्क में आज तक अंकित है। एक सीख की तरह, व्यापार करते समय दया मत करो, किंतु दया करते समय व्यापार